थोड़ा थोड़ा करके पीने के लिए। ओ भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आपको हमारे यहाँ व्लॉग अच्छे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस व्लॉग को। फिलहाल तो सुबह के 7:30 हो रहा है और अभी गाइज हम तो जा रहे थे ट्यूशन, बट पेट्रोल नहीं रहने के कारण हमको दूसरी गाड़ी से तीर के लाना पड़ा इसको। गाइज कुछ ऐसा था हमारे सुबह का सीन, गाड़ी में तो पेट्रोल नहीं था इसलिए थोड़ा तीर के लिए जाना पड़ा, क्योंकि रात को मिले जाने टाइम ही भरवा लेना था बट नहीं भरवाए थे, तो सुबह थोड़ी मेहनत करनी पड़ी बट डोंट वरी। फिलहाल तो अभी हम ट्यूशन से आ चुके और खाना खाने जा रहे हैं, और खाने में आज चावल और मुनगे के पेट में निकलने वाले जो लंबा लंबा सीटी रहता है वो, जो कि कुछ ऐसा होता है मुनगा का सीटी। शाम के टाइम में खीरा चल रहा है जो कि सर्दी का एक मुख्य कारण है, सच में बोल रहा, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। सेकेंड डे सर्दी के लिए सबसे बड़ा कारण यही है, सर्दी के लिए सबसे बड़ा वाला। पहली बात तो भाई ठंडा का मौसम नहीं, ठंडा का हो या गर्मी का, हम के टाइम में सबका होता है। एक और अब खाएं तो खाओ, वो ठंडा हो गर्मी हो सब एक बस एक ही। अभी तो सुबह शाम की 5:45 और अभी तक को कुछ मतलब खास व्लॉगिंग भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नींद आ गई इसलिए या फिर हमने मोबाइल नहीं किया होगा, नींद तो आ ही गई थी। और दिन के तब अच्छी का शाम के टाइम में खाना हो और हाँ धोए और ये क्या, और वैसे यहाँ पे ये क्या कल ही आया था और यहाँ पे आज पानी ही रखा गया, तो अभी हम देखते हैं ट्राई करते हैं ठंडा या फिर ठंडा तो होना ही चाहिए। पानी निकालने के लिए तो यहाँ पर रखा गया है एक ठो कप जो कि बढ़िया है थोड़ा थोड़ा करके पीने के लिए। ओ भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, तो आप इधर से पूरे एकदम से गीला और फिर कारण और भी ठंडी हो रही है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और ये अच्छी भी रहती है मटका वाला पानी, और ख़ासकर गर्मी के टाइम के लिए। अब इसको रखते हैं। आज की वीडियो में कुछ फोकस क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है पिक्सल मॉलिक्यूल वो थोड़ा कम हो रखा है और ये कुछ ज़्यादा प्लेन हो रहा है वीडियो, आई थिंक लग ही रहा वैसा, या फिर कैमरे में कुछ खराबी आई हो, चेक करते हैं हम। A few moments later. सच में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो वो थी कि वीडियो क्वालिटी का जो रेंज रहता है वो थोड़ा नीचे घट गया था, इसलिए वीडियो एकदम से प्लेन हो रहा था, बट अब ठीक है कोई नहीं, ये सब तो नॉर्मल वाली बात होती ही रहती है ऑटोमेटिकली। गाइस यहाँ पे तो बकरी को माँ पीछे साइड से घुमा के ला रही, आई थिंक चढ़ने ले गई थी, देख सकते गाइस इसको हमने टोटली 10 से 15 दिन पहले लगाया था, और ऐसा हो गया जैसे यार 1 साल पहले लगाया, एकदम से पूरा सूख गया, यहाँ बस थोड़ा लगाया कच्चा और इधर तो पूरा एकदम से सूख गया। आप समझ सकते हैं कितनी धूप होती है दोपहर के टाइम में यार, मतलब इतना ज़्यादा और कम टाइम में, कोई नहीं धूप का असर तो दिखना है, और वो वाला झंडा तो एकदम से लहरा ही रहा है। आजी कहाँ पे नीचे छत पे कहाँ पे पता नहीं, यही कहूँगा माँ का मोबाइल मिल गया, खुल जाए ब्रो, नहीं लगाएंगे तो कैसे खुलेगा, कट अप खुल गया एक हाथ से। बिजली सुरक्षा सर्वप्रथम, अरे भाई लाइट तो पूरी तरह से ऑफ हो रखी, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे दोनों का एकदम से बढ़िया वाला देखभाल कर रहे पानी डाल के, उसका तो हुआ पीना, इसका तो चल ही रहा। हम जा रहे भी इनकी और कुछ इनके साथ, उधर का एक अफवाह भी फैल चुका है क्योंकि उधर भूत 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 का वाह। पता नहीं फुआ का किधर से घूम के आना, और आई थिंक वहां से झाड़ फूक करवाने के लिए, कहाँ पे किधर से आना हो रहा है गेहूं के खेत की ओर से। गाइस अभी तक तो हमारा जाना ही हो रहा है, पता नहीं कहाँ चलना, बस सीधे चलना ही चलना है, तो दोनों का तो अपना मूड चल रहा है, अपने में बात करते जा रहे, किधर मुड़ना मांडो इधर कहाँ, ये रास्ता हमारे दूसरे गांव जाने का है,
अंदर ये कहाँ चल दिए पानी की ओर। तुमने बड़ा वाला काला वाला एकदम से नेवला देखा, आई थिंक सांप की खुराद में निकला था। फिर से मिला का फर्स्ट टाइम हमने नेवला देखा, और गाइस वो हमने यहाँ पे देखा था, घूम रहा था चारों ओर, कहाँ गया है, अगल बगल कहीं की तरह। दोनों का भी चल रहा है, स्कूल के टीचर का बदमाशी बता रहे, बड़ाइयाँ बता रहे, खासियत बता रहे, बुराइयाँ बता रहे, ऐसे ही स्कूल लाइफ होता है। क्या बताए, मेरा भी ऐसे बीती है भाई, सब झगड़ते बगड़ते। मारने का मन करते तो हम भी मार ही डालते। तो लग रहा है रात 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 भर है, बट 7-8 बजे तो इधर तो घूमना ही होगा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों तो कहीं यहाँ टपके हैं और साथ में हम भी। अभी तो फिलहाल रोड के किनारे बैठे हुए हैं और काम चल रहा है इधर। A few minutes later. तो भाई सब जाके हो रहा है हमारा घर जाना इन दो नमूनों के साथ में। तो सीधा चलते घर। A few minutes later. तो गाइस रात के खाने के लिए आटा गूंथा जा रहा। दूध लेने के बाद अंदर तो रखा जा सकता है, इसको तो चढ़ा नहीं सकते क्योंकि पहले से आलू सीजने के लिए चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए स्विच तो देना, सिर्फ लाइन करने के बाद फिर से देना पड़ता है यार। गजब नहीं अच्छा है सिस्टम, तो बहुत बढ़िया है। तो आज का वो लोग इतना ही, आई होप आपको हमारा वो लोग अच्छा लगे तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, तो जल्द मिलते अच्छे वाले उन लोग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ। सो बाय बाय एंड बी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हालत में थोड़ा बहुत सुधार आ ही रहा है। काची उधर कौन है, किसी से बात कर रही है तो हल्ला करने मना है। काची है खुदमा, दादी का तो दांत नहीं ना, इसलिए गूंद के खाना पड़ता है दादी को। उस टाइम से लगे लगातार एकदम से बज ही रहा है। हमारा दुकान जाना हो रहा है क्योंकि फुआ को थोड़ी नींबू की जरूरत है, तो वही लाने के लिए कुछ पैसे उसके लिए मिले भी हैं, थोड़ा इसलिए 8 रुपए में और ये 6 रुपए में। क्या मोल भाव है छोटा बड़ा में। दादी नींबू ये वाला 8 का, ये 6 का, बहुत मोल भाव। दादाजी और दीखा तो यहाँ पे बाहर में बैठना हो रहा है। चल छत पे कौन है यार, सब जगह एकदम साइलेंट रहना पड़ रहा है, कॉल हो रहा है तो पता नहीं क्यों। इधर तो दीका चल रहा है गेम छोटी वाली, अभी होता है जिसका थंबनेल लगाने पे इतना गुस्सा होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो। और वो है भैया, उनका थंबनेल का लग गया यूट्यूब पे इतना, मतलब चिड़ी बहुत रहा है, डिलीट करना पड़ेगा। दिमाग तो कम है थोड़ा, बट ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं करता होगा, जैसे कहते हैं ये कोई नहीं डिलीट कर देंगे। आज एकदम से विदाउट गंजी खाने बैठ गए, काम पे आते ऐसा ही होता है। और फुआ का तो मोबाइल का कवर ही कबर है, इसी कारण चिड़ रही है एकदम से पूरी। और आज यहाँ बनने वाला तड़का, पिता ही चिप्स और है कि ना चिप्स। ओ भाई मजे ही मजे, नेचुरल घर का है, नेचुरल नहीं बोल सकते ये, प्राकृतिक के द्वारा खुद से नहीं ना दिया हुआ, ये तो मानव निर्मित है, आलू वाला ही प्राकृतिक का। और यहाँ पे चटनी बन रही है तड़के के लिए आज, माता जी का तो यहाँ पे खाना हो रहा है। दादी कैसे शकल ढक रही है, दादी रात होने को आया, खाना तो हुआ नहीं, हाथ हटाओ। और यहाँ पे तो अभी तक चल ही रहा है चिप्स, सोई सोई खाना कैसा रहता है। तो खाना हुआ नहीं है, और ये चल दी पिताजी के लिए रोटी लाने के लिए, चलते हो फिर खाना खाते हम भी। कैसे कर रही है रोटी के लिए झगड़ा हो रहा है। और पिता एकदम से बगैर कपड़े डाले बैठे हुए खाने के लिए। 12 seconds later. फाइनली सब खाना खाना हो गया एंड व्लॉग वाज फाइनली एंड। सो बाय बाय एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में।